एक सब्ट्रैक्शन में जैसा कि हमें बता रहा था, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का आप देख सकते हैं इजी क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जहां पे कैरी वाले क्वेश्चन नहीं हो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। कैरी वाले में क्या करना है, आपको कैरी कैसे लेना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल किया हुआ है हाउ टू डू दैट कैरी क्वेश्चन। लेंथ के क्वेश्चन मैक्सिमम ईजी है, ठीक है, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, है ना। सो देखिए आप 50 माइनस 20 30, 5 माइनस 2 आप करेंगे 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 2 2। तो यहाँ पे कैरी मैंने नहीं लिया है ना यार, लेने की जरूरत भी नहीं है ना, बड़े नंबर है छोटा। अब देखिए यहाँ पे 25 मीटर्स 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 48 मीटर्स 40 सेंटीमीटर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सबसे पहले लिखेंगे जैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन में करते आ रहे थे, बाद वाले को पहले लिख के पहले वाले को नीचे लिखना है। तो 48 मीटर्स 40 सेंटीमीटर बाद वाले को लिखे, फिर पहले वाले को लिखे 25 मीटर्स 20 सेंटीमीटर, ओके। विदाउट कैरी वाले क्वेश्चन है, आप देख के बता सकते हो कि ये इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 माइनस 20 20, 48 माइनस 25 सॉरी 13 होना चाहिए, ठीक है, जैसे भी 13 सर 23 होगा ना, ठीक है, 23 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ गया 13 मीटर्स 75 सेंटीमीटर फ्रॉम 31 मीटर 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या होता है, 65 माइनस 75, तो 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, 6 और 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमको यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम 16 माइनस 7 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 है क्योंकि, तो 3 से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, 2 माइनस 1 1। ये तो आपको करते आ रहा है 31 माइनस 13, ठीक है, तो 30 माइनस 13 करेंगे तो आएगा। सो इस तरह से आपको करना है, आसान है। मल्टीप्लीकेशन का एक तो एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करके पेज नंबर बता रहा हूँ कौन सा दिया है आपको, पेज नंबर दिया है 56 में, ठीक है, पेज नंबर 56 में दिया हुआ है 15 मीटर्स 50 सेंटीमीटर इंटू 3 बाय 3 करना है, मतलब इंटू 3, फर्स्ट वाला 3 5 15, 1 कैरी होगा, है ना, 1 कैरी को आप रहने दीजिए जैसे आप जोड़ते हो वैसे, 3 5 15 15 प्लस 1 हो गया 6 सेंटीमीटर मीटर्स, तो 6 मीटर हो जाएगा, 3 1 3 प्लस 1 4, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिंपल है। बता दे रहा हूँ इसको और पूरा मल्टीप्लीकेशन बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है, इसको करिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद इसका स्टेटमेंट प्रॉब्लम है वो बाद में करेंगे हम लोग, वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है हम लोग के लिए, वर्क लोड मल्टीप्लाई 19 मीटर्स 62 सेंटीमीटर बाय 2 2 2 4 2 6 12, 1 कैरी होगा, मीटर्स 2 9 18 प्लस 1 19, 1 कैरी होगा, 2 2 प्लस 1 3, ठीक है, इस तरह से करेंगे, इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, ओके। सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली, नेक्स्ट वीडियो मैं सेंड करूँगा आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के बाद हम लोग वेट शुरू करेंगे, देन कैपेसिटी, ठीक है, थैंक यू, गुड डे।